क्या जिम्मेदारी है पुजारी की? वो कमजोर क्यों है? वो दीनहीन क्यों है भाई? अगर शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है तो उसकी उसको लड़ने से किसने रोका है? लेकिन 100 रुपए जो आप चढ़ाते हैं मंदिर में, उसमें से 80 रुपए सरकार ले जाती है। उस पुजारी ने एक दिन तय किया कि 10 दिन मंदिर बंद रहेगा। देश भर में करोड़ों पंडित हैं, करोड़ों पुजारी हैं, करोड़ों संत हैं। हम इस देश की एक दिन पूरी देश की दिल्ली जाम कर देंगे कि यह कौन सा नियम है कि जो भक्त अपने पैसे चढ़ाता है भगवान के ऊपर, उसमें से 80% पैसा सरकार ले जाती है और उसमें से सच्चर कमीशन बना करके मुसलमानों को खच्चर बनाती है। यह कौन सा विधान है भाई? आप कहते हैं संविधान में सब बराबर है, तो अगर संविधान में सब बराबर का आर्टिकल 14 दिया हुआ है, 14(1)(4) अगर वो आर्टिकल है और सब बराबर हैं, तो फिर हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? आप मजारों से तो नहीं लेते, गुरुद्वारों से तो नहीं लेते, चर्चों से तो नहीं लेते, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा ये चुप्पी आपके लालच के कारण है, नहीं लड़ना चाहते आप। वैसे जो अपने भाई से 2 गज जमीन के लिए, 5 गज जमीन के लिए सदियों मुकदमा चलता रहेगा, 5-5 सगे भाइयों में कत्ल हो जाता है। इसलिए कि लार्जर पिक्चर हम देखना नहीं चाहते। हमारे यहां इतने लोग भूखे हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं। देश भर के बड़े मंदिरों की कमाई अरबों में है, अरबों में है। उस कमाई का भी अगर हमने मान लें कॉर्पस फंड बनाया होता, तो हिंदू समाज का एक बच्चा भी भीख मांगता नजर नहीं आता। हजारों करोड़ों प्रतिभावान बच्चे जो बहुत कुछ कर सकते थे, आर्थिक तंगी के कारण नहीं कुछ कर पा रहे। हम दूसरे के बनाए नैरेटिव, दूसरे के बनाए नारों में फंसे हुए हैं। हम अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए वो काम नहीं करना चाहते जिसमें हमें अपना थोड़ा पुरुषार्थ दिखाना होगा। हम चाहते हैं ये पड़ोसी करे काम, इसलिए भिखारियों की तरीके से सरकार ने देखी हमसे, ये कहते हैं और अपने आप को ये संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने कह दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सगे भाई से जरा सा झगड़ा हो जाए तो खून की नदियां बहती हैं, कई कई महीनों तक, सालों तक मुकदमे चलते हैं। लेकिन आपसे गिनती में कम, अर्थव्यवस्था में कम, वो समाज की सामूहिक शक्ति के कारण कोई मजार से एक पैसा नहीं ले सकती। सरकार नहीं बनाते कानून, उनको मालूम है कि ये गिनती में कम है लेकिन 100% है, इनकी प्रतिक्रिया 100% होगी। आप 90 करोड़ हैं, आपकी प्रतिक्रिया 1% नहीं होगी। इसलिए आप दीनहीन हैं, टैक्स भरिए, आप कानून पे चलिए आप, और हम अपने आदमी के अंदर उसको क्रिटिसाइज करना, उसके खिलाफ कुछ भी बोलना, इसलिए कि हम ये जानते हैं कि अपने के खिलाफ बोल रहे हैं और ये हमारा है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिनसे आमना सामना है, जिनको जवाब देना है, बड़े लॉजिकल लोग हैं, बड़े रीजनेबल लोग हैं, बड़ी तथ्यों पे बात करते हैं, तो तथ्यों पे बात करते हैं तो कुरान शरीफ के सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कहने से क्यों डरते हैं? बिना पढ़े कुरान शरीफ को आप कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, कहां देखी आपने? कहीं मिली पीस आपको? पीस की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन मिल नहीं रही। वो चिल्ला चिल्ला के पीस के मतलब बता रहे हैं लेकिन आप सुनने नहीं चाहते, क्योंकि आप डरपोक हैं। आप तथ्यों पे, तर्कों पे बात नहीं कहना चाहते, ना अपने आप से, ना अपने समाज से, ना अपनी सरकार से, ना अपने भीतर और ना ही अपने शत्रु से, क्योंकि डर बैठा हुआ है। इसलिए हम एक शत्रु से किसी तरीके से वो रास्ता ढूंढे कि उससे इतनी दोस्ती हो जाए कि वो हमारा नुकसान ना करे। ये वैसे ही है कि एक बकरी एक शेर से ये कहे कि देखो तुम मुझे खाना मत, बाकी सब ठीक है।
तो बकरी जिंदा रहेगी? वो पूछ के खाएगा उससे? तो हम जब जब ऐसा करेंगे तब तक आपको कोई 3%, कोई 5%, कोई 16%, कोई 20% आपको नचा रहा है और आप ही सब कुछ कर रहे हैं। और यह भी जानते हैं कि अगर आपने तय कर लिया, संविधान के रूप से भी तय कर लिया कि हम हमारे मंदिरों पे हमारे आस्थाओं द्वारा पैसा दिया हुआ सरकार नहीं लेगी, चाहे कुछ हो जाए, हम प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। सरकार आती है, पंडित जी डोलची लेके पहुंच जाते हैं, वो पैसा काउंट होता है, उन्होंने कहा ये हुआ, ये 20% आप रख लीजिए। पंडित जी ने कहा चलो 20% से ही काम चल रहा है, कल 100% भी ले जाएंगे तब भी पंडित जी का काम चलता रहेगा। लड़ने नहीं चाहते आप। किसने रोका है आपको? संविधान के आर्टिकल 14 का दुहाई दीजिए ना, जो कहता है सब बराबर है, तो कहां बराबर है भाई? क्योंकि मैं खुश हूं, मैं खामोश हूं, मैं सहनशील हूं। सहनशील होना और कायर होना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए अपनी कायरता को छुपाने के लिए यह मत कहिए हम बहुत टॉलरेंट समाज हैं। कोई टॉलरेंट वॉलेंट नहीं है। आपकी टॉलरेंस का पता जब चलता है कि अपने घर में छोटे से बंटवारे के लिए आप गला काट देते हैं, तब टॉलरेंस कहां चली जाती है आपकी? टॉलरेंट नहीं है आप। हम कायर हैं, इसलिए सामने वाला जब बड़ा आता है तो हम उससे समझौता करते हैं, और अपने से छोटा हो, अपने से कमजोर हो, उसकी गर्दन काटने में हमें 2 मिनट लगते हैं। इसलिए शब्दों को गलत तरीके से परिभाषित करके पूरे समाज को आमने खत्म कर लिया है। कोई 10 लोग खड़े होकर बात नहीं करते, 5 लोग बात नहीं करते, हर आदमी जल्दी में है और यह देख रहा है कि धीरे धीरे यह सिलसिला खत्म होता जा रहा है। एक एक राज, एक एक शहर, बिना किसी, इस देश का कानून भी है, पुलिस भी है, सेना भी है, संविधान भी है, और आप चिल्ला रहे हैं और आप पूछ नहीं रहा, क्योंकि आपको अपने आसपास मैं, मेरा घर, मेरे परिवार से ज्यादा सोचना नहीं है। जिस दिन आग आपके घर में लगती है तब आप कहते हैं देखो यार शर्मा जी मदद करने नहीं आए। जब शर्मा जी के घर में आग लग रही थी तो आप कहते हमें क्या करना है, तुम उधर मत जाना। यह हमारे अंदर की कमी है। वो गुजरात हो, वो बंगाल हो, बंगाल में कुछ हो गया आप खामोश। आजकल एक नया फैशन हो गया है, फेसबुक पे कमेंट कर दो, राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व पूरा कर दो बस और सो जाओ। हमने लिख दिया है, हमने ऐसे लिख दिया जैसे यूएनओ को लिख दिया हमने। हम 47 में 21 लाख लोगों की लाशों के बाद इस तथाकथित जमीन के टुकड़े को नहीं बचा पाए। भारत की आजाद धरती पे 2 नेशन थ्योरी के तहत एक जम्मू कश्मीर राज्य बना जहां मुसलमानों की मेजोरिटी थी। आप थोड़ी देर के लिए देखिए, हम अगर किसी के साथ ऐसा कर दें तो बरसा बरस, नसल दर नसर हम अपोलोजिस्टिक रहेंगे, हम शर्मशार रहेंगे यार कि हमसे यह हो गया है, अब हम कैसे करें। 47 में लाखों लोग मारे गए, उसी 47 में भारत की धरती पर एक राज्य था जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। उस जम्मू कश्मीर, इसलिए बता रहा हूं कि हमारी ये जो मानसिकता है डर की, लालच की, स्वार्थी होने की, इसने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। 1947 में भारत का विभाजन होता है, चलिए हो गया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, भारत की धरती पर जम्मू कश्मीर बना, मुसलमानों की मेजोरिटी थी। इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद भी उनको शर्म नहीं आई, अपोलोजिस्टिक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान मांगा इसीलिए था कि हम 90% हिंदुओं के अधीन नहीं रह सकते, हम आपके संविधान के तहत नहीं रह सकते, हमें एक अलग जगह चाहिए जहां हमें हिंदू मेजोरिटी के नीचे न रहना पड़े। यही तो बात थी, व्हाट इज 2 नेशन थ्योरी, कि 2 कौमें एक साथ नहीं रह सकती, 2 आइडियोलॉजी एक साथ नहीं रह सकती। लेकिन आप ताज्जुब देखिए हमारे नेताओं का, दलालों का रोल देखिए, कि कश्मीर राज्य में वही स्थिति थी क्योंकि वहां वो मेजोरिटी में थे। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान वाकिस्तान में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन यहां भारत का संविधान नहीं चलेगा। 50 में
यहां भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं लागू होगी। और ये मालूम है कौन कह रहा है? जो ना नीचे कपड़े पहने हुए ना ऊपर कपड़े पहने हुए हैं। कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए उनका। कश्मीरी नंगा कह रहा है कि हम संविधान नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट यहां नहीं आ सकती, आपके जितने कानून हैं चाहे वो बाद में बने, एंटी करप्शन लॉ लागू नहीं होगा, हमें ये विशेष रियायतें चाहिए। यानी अभी चार दिन पहले तुमने हत्या की है और उसके बाद फिर तुम ये कह रहे हो कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, तो उनका संविधान अलग बन गया। उन्होंने कहा हमारी असेंबली का पीरियड 6 साल होगा, और अगर भारत का राष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री होगा तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, हमारा भी सदर रियासत होगा। 1958 तक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था। आज जो हमारी स्थिति है कोई एक दिन में नहीं हुई है, तो 58 में वो वहां रहे और वो कभी आपसे शर्माए नहीं, कभी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि हमने ये जघन्य अपराध हमने हुआ है और इतने सारे हिंदू मारे गए हैं तो थोड़ा सा हमें डरना चाहिए ना। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इससे तो मतलब ही नहीं हमारे, उल्टा आप ही को जिम्मेदार ठहरा दिया उन्होंने। और फिर क्या किया कि अपना संविधान 57 में बनाया, सारे प्रावधान रख लिए उसमें, और आपके दलाल नेताओं पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली आया शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला ने फूल वाले चाचा से कहा कि हमको एक विशेष आर्टिकल चाहिए जिससे भारत राज जम्मू कश्मीर में अपना दखल ना दे सके। तो आर्टिकल 370 की बात हुई तो वो तो ऐसे तमाम कामों को दूसरे लोगों को टरका देते थे, उनको मालूम था, उन्हें तो आता जाता तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा अंबेडकर के पास चले जाओ, अंबेडकर भारतीय राजनीति का अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि हमारे यहां सर नम नेम देख करके बड़ी राय बनाई जाती है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अंबेडकर भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी था, दो टूक बात करता था। दलालों ने, इस देश के बुद्धिजीवियों ने उस आदमी के हर उस तत्व को जो इतने शार्प थे, जो एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, वो उसने अपने जीवन में कहा, लागू करने के लिए लड़ गया, लेकिन दलालों को तो सत्ता चाहिए थी, उन्होंने उस आदमी की बात को ही खारिज कर दिया। अंबेडकर से शेख अब्दुल्ला जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये है ये है ये है ये है, बोले शेख अब्दुल्ला साहब मैंने आपकी बात सुन ली, आपको ये चाहिए ये चाहिए, आप भारत को बदले में क्या दोगे? उन्होंने कहा भारत को देने के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है। बोले मैं अपने जीते जी धारा 370 दे के पाप नहीं करूंगा। ये अंबेडकर के शब्द हैं, लेकिन अंबेडकर को कॉर्नर कर दिया ना।